गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकांक्षा इंटरनेशनल स्कूल इन HKG क्लास। टुडे वी स्टडी EVS चैप्टर 6, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, विभिन्न प्रकार के घर। तो आज हम EVS में क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 6, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। घर जो होते हैं, हाउस जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। वी प्लेस वेयर वी लाइव इन कॉल्ड ए हाउस। हम जिस पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम घर कहते हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं उसे घर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हाउस जो होते हैं, सॉरी हाउसेस, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर EVS नोटबुक्स एंड लुक एट द ग्रीन बोर्ड ऑल ऑफ यू एंड ओपन योर EVS नोटबुक्स। फर्स्ट FLATS, फ्लैट, FLATS, फ्लैट। फ्लैट जो होता है वो एक स्टेप बाई स्टेप ऊपर से ऊपर बना हुआ होता है, जिसको हिंदी में मंजिल कहते हैं, फ्लैट। फिर आता है नेक्स्ट BUNGALOW, बंगला। बंगला जो होता है वो उसको हिंदी में हम कोठी कहते हैं, BUNGALOW, बंगला, जिसको हिंदी में कोठी कहा जाता है। नेक्स्ट HUT, हट जो होता है उसको हिंदी में कुटिया कहते हैं और झोपड़ी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट HOUSE, हाउस, BOAT, बोट, हाउस बोट। हाउस बोट जो होता है वो तैरने वाला एक घर होता है, जो कहाँ होता है? सी, समुद्र में, नदियों में। ओके, फिर नेक्स्ट कारवैन, CARAVAN, कारवैन। कारवैन को हिंदी में काफिला कहते हैं। कारवैन जो होता है, जैसे अगर बाय द वे कोई सफ़र पे जा रहा है, अगर बीच रास्ते में उसको कहीं पे भी अगर रेस्ट करना है, तो वो क्या करता है, ऐसे कारवैन वाला एक हाउस बना लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेंट, TENT, टेंट। टेंट को हिंदी में तंबू या खेमा कहते हैं। सेम वैसे ही जैसे अगर कोई पैदल काफिला जा रहा है, बट तो वो क्या करेंगे, रेस्ट करने के लिए ज़मीन में चारों कोनों में बड़ी वाली किल लगा करके ऊपर कवर करेंगे, तंबू डालेंगे, कपड़ा डालेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, हाउस बन जाएगा। उस हाउस को टेंट या खेमा कहा जाता है। पुराने ज़माने में लोग जब यात्राएं वगैरह करते थे, बीच में रेस्ट करने के लिए ऐसे ही टेंट बना करके रहते थे। फिर आता है कच्चा हाउस, KUTCHA, कच्चा, HOUSE, हाउस, कच्चा हाउस। ये एक कच्चा घर होता है। नेक्स्ट इग्लू, IGLOW, इग्लू। इग्लू जो होता है इसको हिमकोटी या एस्किमो ग्रेवी कहते हैं, जो क्या होता है, एक गुफा के जैसा होता है। वी नीड ए हाउस टू कीप और सेल्फ सेफ फ्रॉम हीट, कॉल, रैन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हमें गर्मी से होने वाली ठंड और
जो चोर वगैरह होते हैं, डकैत वगैरह होते हैं वो, और जो जंगली जानवर होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, सुरक्षित रहने के लिए एक घर बनाते हैं। हमें एक घर की आवश्यकता होती है, उस घर में हम अपना क्या करते हैं, रहन बसेरा करते हैं। इन डेजर्ट देयर आर फ्लैट रूफ्ड हाउसेज, रेगिस्तान में छत वाले घर होते हैं। इन कॉल्ड रीजन वी फाइंड हाउस विथ स्लॉपिंग रूफ्स, ठंडे क्षेत्रों में हमें क्या मिलेंगे, अक्सर ज़्यादातर ढलान वाले मकान मिलेंगे, ढलान वाली जो छतें होती है ये होती है। थीव्स जो होता है वो क्या कहलाते हैं, थीव्स किसको बोलते हैं, जो चोर डकैत होते हैं ना, चोरी करते हैं, उसको थीव्स कहते हैं। हाउसेज इन सिटीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, शहरों में आपको ईंटों और पत्थर और सीमेंट से बने हुए मकान मिलेंगे, और गांव में आपको हट कुटिया झोपड़ियाँ मिलेगी, फ्लैट्स और ये बंगला है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, सिटीज़ में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे। हाउस बोट समुद्र वाले इलाकों में, जहाँ पे मतलब समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, तालाब होती हैं, वहाँ पे आपको हाउस बोट मिलेगी। और जंगल में कारवैन टेंट ये मिलेंगे, और कच्चा हाउस जो होता है वो कच्ची बस्तियों में होता है। आइए इनको रिपीट करते हैं, FLATS फ्लैट, BUNGALOW बंगला, HUT हट, HUSE हाउस, POAT बॉट हाउस बॉट, CARAVN कारवैन, TNT टेंट, KUTCHA कच्चा, HOUSE हाउस, IGLOO इग्लो। तो लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर रिवाइज नोटबुक एंड स्टार्ट फॉर दिस वर्ड, नीट एंड क्लीन राइटिंग। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।